सभी को नमस्कार। मैं मुकेश कुमार। आज हम आरपीएससी कॉलेज लेक्चर के प्रादेशिक भूगोल टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हल कर रहे हैं। आशा करता हूँ ये आपके लिए उपयोगी होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भूगोल में रीजन, प्रदेश या क्षेत्र की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की? तो सबसे पहले प्राचीन काल के अंदर जब हम भौगोलिक विचारधारा का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें रीजन या प्रदेश की अवधारणा स्ट्रेबो महोदय ने प्रस्तुत की थी। स्ट्रेबो ने अपने ग्रंथ ज्योग्राफिया में रीजन या प्रदेश के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका कथन है, केवल एक प्रदेश है पृथ्वी की सतह जिस पर मानवता को अपना आवास मिला है? प्रदेश केवल पृथ्वी की सतह है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पहले आ चुका है। ये कथन रोजर मिन्सुल महोदय का है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अनस्टेट के प्रादेशिक वर्गीकरण का भाग नहीं है? तो अनस्टेट महोदय ने जो प्रादेशिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था उसमें स्टो, ट्रैक्ट और मेजर रीजन्स, इनको तो माना था, साइट को नहीं माना था। तो भाग नहीं है पूछा है, तो साइट नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन, कंपेज की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यूजीसी नेट में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो डी विटलसी, ए जे हर्बर्टसन और एच ई मूर, क्या होगा सही आंसर? डी विटलसी महोदय ने कंपेज शब्द का प्रयोग किया था और संकल्पना प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन, 1937 में प्रकाशित लेख क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन ऑफ द वर्ल्ड से संबंधित विद्वान थे। 1937 में एक निबंध प्रकाशित हुआ था, क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन ऑफ द वर्ल्ड, तो उनसे संबंधित विद्वान रॉक्सबी, स्टाम्प महोदय, अनस्टेड और मायर्स, तो ये चारों ही थे, 1, 2, 3 और 4। असुमेलित युग्म का चुनाव करें, तो प्रदेश से संबंधित इकाई, प्रदेश को क्या नाम दिया था और जो प्रमुख विद्वान हैं भूगोलवेत्ता हैं, ओडम और मूर ने फिजिकल रीजन कहा था प्रदेश के संबंध में, विटलसी ने कंपेज कहा था, ये भी सही है, जे एफ अनस्टीड नेचुरल ज्योग्राफिक रीजन और ए जे हर्बर्टसन ने सिटी रीजन नगर प्रदेश कहा था, ये भी सही है। असुमेलित पूछा है तो गलत है, ये सही का होगा इसमें। नेचुरल ज्योग्राफिक रीजन है वो, तो इसमें विटलसी महोदय से संबंधित है, हर्बर्टसन, विटलसी, प्राकृतिक प्रदेश की अवधारणा से संबंधित विचारधारा इन्होंने प्रस्तुत की थी, तो ये अनसेड नहीं आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक दोनों प्रकार के अभिलक्षणों की समांगता होती है उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में आ चुका है पहले। प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के अभिलक्षणों की समानता होती है उसको भौगोलिक प्रदेश कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमी के लेखक
इम्पोर्टेंट पुस्तक है, कई बार पूछ लिया जाता है, आरपीसी के पहले के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है, आरएस के पहले एग्ज़ाम जब सब्जेक्ट वाइज होते थे उस समय, और यूजीसी नेट में भी आ चुका है ये। तो ये वाल्टर इजार्ड महोदय की पुस्तक है, लोकेशन एंड स्पेस इकोनॉमिक। देखिए क्वेश्चंस काफ़ी हैं और सिलेबस भी बहुत बड़ा है, इतना टाइम नहीं मिल पाता है। कोशिश रहती है कि मैं आपको ये बताऊं कि कैसे क्वेश्चन आप बनाएं, आप खुद मेहनत करें और क्वेश्चन बनाते जाएं। मुझे जैसे भी समय मिलेगा मैं और क्वेश्चन अपलोड करता जाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।